गाजीपुर में फिर एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। एक के बाद दूसरे मरीज के सामने आने के बाद लोग सशंकित नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मरधा ब्लॉक के नसरुद्दीनपुर गांव का एक व्यक्ति 5 तारीख को अपने पुत्र के साथ मुंबई से घर आया था, जिसके बाद 8 मई को उसकी जांच हुई और 10 मई को देर शाम उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची हुई है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष शरद चंद्र त्रिपाठी, सीओ महमूद अली और डॉक्टर सरफराज आलम मौके पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीज को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया और फिर वहां से वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में भेज दिया गया है। साथ ही गांव को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें कि प्रशासन द्वारा पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले नंदगंज क्षेत्र के खिजरपुर गांव में भी कोरोना का एक पेशेंट मिल चुका है। ये युवक भी मुंबई से गाजीपुर आया था। इस युवक का इलाज भी वाराणसी में ही हो रहा है। एक के बाद एक कोरोना का केस मिलने से लोगों में दहशत का माहौल बढ़ रहा है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।